हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो अपना आगे का टॉपिक चालू करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने स्ट्रेस को पढ़ लिया है। आपके स्ट्रेस से जितने भी रिलेटेड डाउट हो मैं सारे क्लियर कर दूंगा। आप मेरे को मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? या फिर एक काम करना, इस यूनिट के जितने भी डाउट्स हो, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, टॉपिक की थ्योरी कवर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स पर आऊंगा। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल्स में आपके जितने भी डाउट इकट्ठे हो वो एक साथ लिख देना सारे स्टूडेंट्स के, फिर उन सारे डाउट्स को मैं एक साथ लूंगा जितने भी होंगे, ठीक है? तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस करा है वो स्ट्रेस को डिस्कस करा है। अब मैं स्ट्रेन पर आता हूं, ठीक है? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका नाम है स्ट्रेन। स्ट्रेन, ठीक है? STRAIN। अब मैं आपसे पूछूंगा कि स्ट्रेन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, यह स्ट्रेन क्या होता है? जैसे ही मैंने यहां पर स्ट्रेन लिख दिया, आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करा, सर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और मैं पूछूंगा कि स्ट्रेन किससे रिप्रेजेंट करते हो, तो आप बोलोगे सर एप्सिलॉन से। ठीक है, हो सकता है किसी चीज को ये भी स्ट्राइक ना कराओ, नहीं स्ट्राइक कराए तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, मैं पूरा बताऊंगा आपको। तो जिस तरीके से आप स्ट्रेन को चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ बोलते हो, उसी तरीके से आप स्ट्रेस को क्या बोलते थे? आप समझे मेरी बात? स्ट्रेस को आप बोलते थे सर फोर्स अपॉन एरिया। फिर हमने स्ट्रेस को क्लियर करा कि स्ट्रेस कितने टाइप का होता है। स्ट्रेस दो टाइप का होता है, नॉर्मल स्ट्रेस और आपका शियर स्ट्रेस। उसी तरीके से, अरे भैया, जब स्ट्रेस भी आपका दो टाइप का है तो स्ट्रेन भी तो आपका दो टाइप का होगा। तो ध्यान रखना, कभी भी स्ट्रेस स्ट्रेन को ओनली चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ मत बोलना। कैसे? देखो, ध्यान से देखना, स्ट्रेन भी आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है नॉर्मल स्ट्रेन एंड सेकेंड होता है आपका शियर स्ट्रेन। ठीक है, शियर स्ट्रेन। अब आप एक चीज ध्यान से देखना, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने कहा स्ट्रेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद मैं इसको इंडिविजुअल इंडिविजुअल लूंगा। तो जो मेरा ऊपर का टॉपिक है, सबसे पहले हम नॉर्मल स्ट्रेन रहते हैं, उसके बाद हम शियर स्ट्रेन रहेंगे, ठीक है? अब ये नॉर्मल स्ट्रेन क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्वॉर्म के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हो तो आज का लेक्चर स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि आज के लेक्चर में आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपने कभी किसी किताबों में नहीं पढ़ी होगी और कभी आपको कॉलेज में नहीं बताया होगा। बहुत चीजें डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में। इस लेक्चर को मैं कल भी रिकॉर्ड करना चाहता था बट थोड़ा लेट हो गया था, कर नहीं पाया था। ध्यान से सुनना, सिंपल सी बात है, ये एक बॉडी है, ठीक है? इस बॉडी पर, ये लो एक बॉडी है, इस बॉडी पर अगर मैं टेंसाइल फोर्स लगाऊंगा, ठीक है? सबसे पहली बात ये देखो, बात हो रही है नॉर्मल स्ट्रेन की। तो जिस तरीके से नॉर्मल स्ट्रेस में फोर्स परपेंडिकुलर लगता था एरिया के, तो इसमें भी फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा। इमेजिन करो कि ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, सिलेंड्रिकल रॉड है, इस पर मैं टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं इस एरिया के परपेंडिकुलर, क्योंकि नॉर्मल की बात है तो एरिया हमेशा परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है? तो जैसे ही मैं इसमें टेंसाइल फोर्स लगाऊंगा, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर दिया, हाँ, एक्सियल स्ट्रेस का केस है, नॉर्मल में एक्सियल का केस है और एक्सियल में टेंसाइल स्ट्रेस का केस है, ठीक है भाई? तो इसमें कुछ ना कुछ इलोंगेशन तो होगा। मान लो अगर मैं इस मेंबर को खींचूंगा तो इसकी लेंथ 100% इंक्रीज होगी। दुनिया में ऐसा कोई मटेरियल नहीं, इसमें चेंज नहीं होता, बस एक मटेरियल है कॉर्क, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है? तो जब मैं इसको खींचूंगा तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। अब देखो, आप बोल दो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन को आप इससे डिफाइन कर देते हो। तो अगर इसकी लेंथ चेंज होगी तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये भी तो पतला होगा। अगर किसी भी चीज को हम खींचते हैं, अब समझ लो मेरी बात, किसी भी चीज को हम खींचते हैं तो हमेशा क्या होता है, उसकी लेंथ इंक्रीज होती है और ये एरिया उसका पतला हो जाता है। वहीं पर अगर मैं इस चीज को दबाना स्टार्ट करूंगा, अब मैंने इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, इसकी लेंथ तो डिक्रीज हो जाएगी बट ये वाला जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जो सिंपल आप हमेशा स्ट्रेन को चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ बोलते हो, हमेशा चेंज इन लेंथ, अरे किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे तो उसका लेंथ और उसका एरिया दोनों में चेंजेस होते हैं। इसलिए कभी भी स्ट्रेन को चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ मत बोलो, स्ट्रेन को हमेशा क्या बोलोगे आप, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब वो डायमेंशन लेंथ है, अब वो डायमेंशन एरिया है, वो डिसाइड करता है आपका। ये देखो, नॉर्मल स्ट्रेन जो है आपका वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है? नॉर्मल स्ट्रेन आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है आपका लेटरल स्ट्रेन
एंड सेकेंड होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मैंने आपसे क्या बोला, दोनों नॉर्मल का केस है, नॉर्मल मतलब फोर्स परपेंडिकुलर। मेरे को लगता है कि अगर ये मेंबर है जब इसको आप खींचोगे तो इसके लेंथ इंक्रीज होगी और एरिया कम होगा। तो जब आप लेंथ पे चेंज दिखा रहे हो, अब बोलो आप चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जब आप लेंथ पर चेंज दिखा दो तो वो बनता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको देखो आप, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट मींस लेंथ पर आप चेंज दिखाते हो वो हमेशा बनता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और जो लेटरल डायमेंशन, जो एरिया के डायमेंशन होता है, अब मान लो ये तो सिलेंड्रिकल है तो अभी मैं इसका ओनली डायमीटर लूंगा। इन केस अगर रेक्टेंगुलर होता तो इसकी विड्थ भी होती, बी भी होता, इसकी डेप्थ डी भी होती। तो आप रेक्टेंगुलर केस में बी और डी के रेस्पेक्ट में लिख सकते हो। तो जब भी आप लेंथ पर दिखाओगे तो लॉन्गिट्यूडनल, और जब आप एरिया पर चेंज दिखाओगे तो क्या बनता है, लेटरल। अभी सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल की कुछ डायमीटर होगी, तो मैं लिख देता हूं। जैसे मैं इसको खींचूंगा तो क्या होगा, इसकी डायमीटर कम हो जाएगी। तो दैट मींस लेटरल स्ट्रेन आपका होता है चेंज इन डायमीटर, अभी सिलेंड्रिकल का कैसे इसलिए मैंने डायमीटर लिख दिया, अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे पहली बात, स्ट्रेन दो टाइप के, नॉर्मल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। उसी टाइप में अब हम शियर स्ट्रेन को बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने पहला टॉपिक अपना लिया नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन मतलब फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा एरिया पर। उस केस में जब भी किसी मेंबर पर आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे तो उसमें दोनों चेंजेस होते हैं, लेंथ पर भी चेंज होता है, एरिया पर भी चेंज होता है। लेंथ पे चेंज बनता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और एरिया पर चेंज बनता है आपका लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को लीनियर स्ट्रेन भी बोला जाता है, किसी किसी बुक में इसको लीनियर स्ट्रेन भी बोला गया है, ध्यान रखना है ना। ठीक है भाई, तो इस दोनों को आपने देख लिया होगा, आप एक बार देख लो। ठीक है, तो इन दोनों को अब ध्यान से देखना, रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब आपका ध्यान से देखना, अब आपसे कोई पूछे स्ट्रेन क्या होता है, सबसे पहली बात स्ट्रेन इज रिप्रेजेंट, और कौन सा स्ट्रेन, स्ट्रेन में भी नॉर्मल वाला स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन शेयर भी होता है, इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एप्सिलॉन। इस सिंबल का नाम क्या है, एप्सिलॉन, विच इज इक्वल्स टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब एक चीज बताओ, किसी भी चीज के डायमेंशन हो गए, मान लो ये आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इसकी मान लो लेंथ पे चेंज हो गया, वो mm में लूंगा, या लेंथ होगी इसकी वो भी मैं mm में लूंगा। तो देखो डायमेंशन का तो चेंज आएगा, वो भी आप mm या सेंटीमीटर में लोगे या मीटर में, जो भी लोगे, उसी तरीके से ओरिजिनल डायमेंशन भी जो है वो भी आपका mm या सेंटीमीटर। तो mm से mm कट गया, स्ट्रेन इज ऑलवेज यूनिटलेस, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। जिस तरीके से मैंने आपको स्ट्रेस की यूनिट बताई थी न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल्स या गीगा पास्कल्स या पास्कल्स, उसकी तो यूनिट होती है, बट स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। अब ध्यान से देखना, अब मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने वाला हूं, उसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। मैं श्योर हूं ये चारों टर्म्स आपने पढ़ी होंगी, बट जो आज मैं इस बारे में आपको बताने वाला हूं ना, वो आपने जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा, श्योर है मेरे को। कोई बोलेगा भी नहीं सर मैंने तो सुना था, मैं उसको ट्रस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ना वो चीज कॉलेज में पढ़ाई जाती है, ना वो चीज कोचिंग में पढ़ाई जाती है, मुझे पता है ना। अब ध्यान से देखना बहुत ज्यादा जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से। सबसे पहले एक चीज देखो, जब मैंने नॉर्मल स्ट्रेन को डिस्कस करा था तो दो टाइप के स्ट्रेन निकल के आए थे, एक था लेटरल स्ट्रेन और दूसरा था आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जब किसी भी बॉडी के किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे और ये दोनों स्ट्रेन उसके अंदर आ गए, तो क्या करा मैंने उसी बॉडी के लेटर, किसी भी बॉडी के लेटर स्ट्रेन को उसी बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से डिवाइड कर दिया। जब भी आप किसी बॉडी के लेटरल स्ट्रेन को उसके लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से डिवाइड कर देते हो, तो यहां पर मिलता है हमको अपना सबसे पहला इलास्टिक कॉन्स्टेंट, जिसका नाम है पॉइजन्स रेशियो। ये होता है आपका पॉइजन्स रेशियो।
आपके जितने भी सिविल इंजीनियरिंग है आपने चार डिपेंडेंट, देखो इलास्टिक कांस्टेंट मैं आपको बताता हूं, चार डिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पॉइसन्स रेशियो, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड फोर्थ होता है आपका बल्क मॉडुलस। मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट चार इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, पॉइसन्स रेशियो, शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या आपने नोटिस नहीं करा कि जितनी भी इंजीनियरिंग की अभी प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या आरसीसी जितने भी हैं, इनमें ये चारों हमेशा रोल में आते हैं। जितने भी आप न्यूमेरिकल्स पढ़ोगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप जैसे कॉलम का जो कॉलम होता है उसे क्रिटिकल लोड का फॉर्मूला क्या होता है? पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। देखो पाई स्क्वायर ई आ गया ना इसके साथ, ये ई क्यों आता है? आप जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उसमें हर जगह क्यों आ रहा है। उसी तरीके से अगर मैं आपको डिफ्लेक्शन का भी फॉर्मूला बताऊंगा, भाई डिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा, ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एक्स, डबल इंटीग्रेशन थ्योरम मैंने बोली। आप देखना जितनी भी आपकी इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स आएंगी, ये चारों इलास्टिक कॉन्स्टेंट हर जगह होते हैं। आपने कभी भी ये सोचा कि चारों इलास्टिक कॉन्स्टेंट हर न्यूमेरिकल के साथ क्यों आते हैं? क्या रीजन है इनका कि ये हर न्यूमेरिकल में, हर फॉर्मूले में चारों कोई ना कोई इन चारों में से घुस जाता है? उस चारों का रीजन मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट पॉइजन्स रेशियो में आया था, और पॉइजन्स रेशियो को आप देख लो, जो भी किसी बॉडी का लेटरल स्ट्रेन होता है उसको मैंने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से हटा डिवाइड कर दिया। अब एक काम करता हूं, थोड़ी देर के लिए मैं पॉइजन्स रेशियो पे फिर से आऊंगा, थोड़ी देर के लिए मैं इन चारों इलास्टिक कांस्टेंट्स पर आ रहा हूं वापस से। ध्यान से देखना, पॉइजन रेशियो में मैं फिर आऊंगा। मैंने आपसे क्या बोला, चार इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। फर्स्ट होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेकेंड होता है आपका पॉइजन्स रेशियो, थर्ड है आपका शियर मॉडुलस, एंड फोर्थ है आपका बल्क मॉडुलस। बहुत ध्यान से देखना भाई, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये इलास्टिक कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सब पढ़ा लेते हैं, सब निकाल लेते हैं भाई इलास्टिक कांस्टेंट। अरे रीजन तो बताओ, क्यों इलास्टिक कांस्टेंट फर्स्ट यूनिट में पढ़ाते हो? कुछ तो रीजन होगा इसका। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि चार इलास्टिक कांस्टेंट क्यों हमारे पीछे हमेशा पड़े रहते हैं। ये इसलिए पड़े रहते हैं, सबसे पहली बात, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, पॉइजन्स रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, शियर मॉडुलस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी, किसी बुक में एन देके रखा है, किसी बुक में जी देके रखा है, और बल्क मॉडुलस को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। अब ये किसी भी मेंबर पर इन चारों का रोल क्या है, अब तो आपके लेक्चरर्स बता देंगे, क्योंकि वो मेरा वीडियो देखते हैं, बहुत सारे फैकल्टीज भी फॉलो कर रहे हैं, तो अब वो आंसर देना चालू करेंगे कि ये चारों इलास्टिक मॉडुलस क्यों यूज में लिए जाते हैं। ध्यान से सुनना बहुत ज्यादा। जो मेरा सबसे पहला यंग मॉडुलस है, जिसका नाम है, जिसको रिप्रेजेंट करता हूं ई से, ये हमेशा मेंबर की स्टिफनेस को गवर्न करता है। क्या गवर्न करता है? मेंबर की स्टिफनेस। स्टिफनेस का मतलब क्या होता है? स्टिफनेस का मतलब होता है कि जब भी आप किसी मेंबर पर लोड लगा रहे हो, तो किसी मेंबर पर लोड लगा रहे हो तो मेंबर का डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है। एग्जांपल, अगर ये एक डस्टर है, तो इस डस्टर पर अगर मैं लोड लगा रहा हूं तो ये अभी नहीं खिंच रहा, क्योंकि ये मेंबर स्टिफ है, और स्टिफ का काम ही है, स्टिफनेस का काम ही होता है कि मेंबर के डिफॉर्मेशन को बचाना। तो सिंपल सी बात सुनो कि अब ये मैंने कहा ई रिप्रेजेंट बाय स्टिफनेस, तो जिस मेंबर का जितना ज्यादा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो उतना ही ज्यादा स्टिफ होगा। दैट मींस, जिस मान लो एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ध्यान से देखना, ई फॉर स्टील आपको पता ही है, और मैं आपको लिखता हूं ई फॉर रबड़। ई फॉर स्टील होता है 210 जीपीए, और रबड़ का होता है 16-17 जीपीए, ठीक है, गीगापास्कल, मतलब आपका 10^3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछूं कि देखो भाई, दोनों में से यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका जाता है? तो आप बोलोगे, सर दोनों में से यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका जाता है? स्टील का, और रबर का कितना है? 16-17 जीपीए। तो अगर आप इन दोनों की भी बात करो, तो इन दोनों में पूछू कि स्टिफ कौन है, आप बोलोगे सर जिसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा वो ज्यादा स्टिफ होगा। और स्टिफ मतलब क्या होता है कि अगर आप उस मेंबर पर लोड लगाओगे तो उसमें डिफॉर्मेशन इजिली नहीं आएगा। तो स्टील का ज्यादा है
तो दैट मींस स्टील मेरा रबर से ज्यादा स्टिफ है। आपको भी ध्यान होगा कि रबर को तो आप इजीली हाथों से खींच लेते हो, बट स्टील को आप हाथों से नहीं खींच सकते। वहीं पर ध्यान रखना, वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा, जिस मटेरियल का सबसे ज्यादा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, उस मटेरियल का नाम है डायमंड, जिसका अराउंड जो यंग मॉडुलस होता है वो अराउंड 1400 जीपीए होता है। आप समझ रहे हो, आप हमेशा सोचते हो स्टील सबसे ज्यादा, स्टील दुनिया में जिस मटेरियल का सबसे ज्यादा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका नाम है डायमंड, और इसकी वैल्यू होती है 1440 जीपीए। ठीक है, तो क्यों ये न्यूमेरिकल में आता है, क्यों यंग मॉडुलस आपके हर न्यूमेरिकल में आता है, क्योंकि यंग मॉडुलस ही वो फैक्टर है जो उस मेंबर के स्टिफनेस को डिफाइन कर रहा है। अरे आप अपने घर पर बीम बनाओगे तो आप यही चाहोगे ना कि अगर उस बीम के ऊपर लोड लगेगा तो वो बीम आपकी डिफॉर्म नहीं हो, ये बीम है इसको डिफॉर्म होने से जो बचा रहा है वो यंग मॉडुलस है, क्योंकि यंग मॉडुलस डिफाइन करता है इसकी स्टिफनेस। ठीक है, तो पहले जो हमारा फर्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट है उसका पर्पस क्या है, बॉडी की स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करना। कभी भी आप डिजाइनिंग करोगे उसमें आप क्या करोगे, एक यंग मॉडुलस की वैल्यू देखोगे कि इसकी यंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, और वो आपको डिसाइड कर देगी कि हाँ यार ये मेंबर तो स्टिफ है, इस मेंबर को मैं कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकता हूं। जो भी डिजाइनर्स होते हैं वो इसकी वैल्यू देखते हैं और उससे डिसाइड करते हैं कि कितना स्टिफ है। ठीक है, सेम चीज अब ध्यान से देखना, सेकेंड इलास्टिक कॉन्स्टेंट लिखा है मैंने पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो भी बहुत न्यूमेरिकल्स में या बहुत फॉर्मूलाज में आपको मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि पॉइजन्स रेशियो का क्या काम होता है, क्यों ये चारों इलास्टिक कॉन्स्टेंट हम पढ़ते हैं। आपको बस क्या करते हैं लेक्चरर्स फटाफट करके, हाँ भाई ऐसे चार इलास्टिक कॉन्स्टेंट होते हैं, अरे पर्पस तो पूछो, सिविल इंजीनियरिंग है कुछ तो पर्पस होगा लाइफ में, ऐसा थोड़ी कि कुछ भी रटा के चल जाएंगे अपने आप। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहीं पर मैं आपको बताऊं जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अब आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये चारों इलास्टिक कॉन्स्टेंट अलग अलग जगह डेवलप होते हैं। जैसे अभी जब मैं आपको नॉर्मल स्ट्रेन का केस बता रहा था, तो नॉर्मल स्ट्रेन के केस में हमारा कौन डेवलप हो गया था, पॉइजन्स रेशियो। जब मैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ाऊंगा ऑफ माइल्ड स्टील, तो उसमें आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रोड्यूस होगा। जब मैं आपको शीयर स्ट्रेन पढ़ाऊंगा, उस शीयर स्ट्रेन में शीयर मॉडुलस डेवलप होगा, और लास्ट में बल्क मॉडुलस डेवलप होगा जब किसी भी बॉडी के तीनों साइड में सेम स्ट्रेस लगा दूंगा। ठीक है, तो हर अलग अलग जगह होते हैं, धीरे धीरे मैं आपको इन सबके फॉर्मूलाज बता दूंगा, और जब ये चारों डेवलप हो जाएंगे हमारे टॉपिक में, फिर इन सबका मैं आपको रिलेशनशिप बताऊंगा कि इनका रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, अब बारी आती है कि सर ये पॉइजन्स रेशियो क्या है। बहुत सिंपल सा है यार, पॉइजन्स रेशियो कुछ भी नहीं है, पॉइजन्स रेशियो ही बीम की बेंडिंग को गवर्न करता है। आप समझो मेरी बात, जिस मटेरियल का पॉइजन्स रेशियो ज्यादा होगा वो आराम से बेंड हो जाएगा या आराम से खिंच जाएगा। समझो मेरी बात, पॉइजन्स रेशियो गवर्न करता है बेंडिंग। तो अगर मान लो किसी भी चीज, किसी भी मटेरियल का पॉइजन्स रेशियो ज्यादा हुआ, तो डिजाइनर समझ जाएगा, देखो ये गवर्न करता है यंग मॉडुलस गवर्न्स स्टिफनेस, वहीं पर पॉइजन्स रेशियो क्या गवर्न करता है, गवर्न्स बेंडिंग। आपको पता है ना, आप समझ लो पॉइजन रेशियो क्या गवर्न करता है, बेंडिंग। अगर जिस मटेरियल की, जब पॉइजन रेशियो की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसका मतलब है कि उस मेंबर की बेंडिंग बढ़ती जाएगी या वो आसानी से खींच सकता है। दुनिया में पॉइजन रेशियो की सबसे मैक्सिमम वैल्यू रबड़ के लिए होती है, रबड़ आप समझते हो ना, रबड़ के दिन मैंने क्या बोला, पॉइजन रेशियो की वैल्यू ज्यादा तो उतना ही ज्यादा बेंडिंग है, उतना ही ज्यादा इलोंगेशन। तो रबड़ की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, तो रबड़ आपका आराम से बेंड हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से, और जो सबसे कम होता है मैं भी आपको लिखूंगा, कॉर्क होता है एक मटेरियल, मान लो पॉइजन रेशियो कॉर्क एक मटेरियल होता है, वही जो शैंपेन की बोतल में कॉर्क लगाया जाता है ना, उस कॉर्क की बात मैं कर रहा हूं। कॉर्क की वैल्यू पॉइजन्स रेशियो जीरो होती है, इसका मतलब क्या है कि भैया अगर किसी भी वैल्यू की पॉइजन्स रेशियो की जीरो है, तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ना वो बैंड होगा ना वो एलोंगेट होगा। ठीक है, थर्ड मेरा आया है शीयर मॉडुलस। इन सबके फॉर्मूले बाद में डिस्कस करेंगे। शीयर मॉडुलस क्या है, कुछ भी नहीं है यार, कब शीयर मॉडुलस का भी यूज है सिविल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल्स की मशीन में।
कभी आपने शियर मॉडुलस का, आपको पता होगा अगर जैसे मैं शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात कर रहा हूं, आपके दिमाग में कुछ लोगों ने जो पढ़ा हुआ होगा उन सबके दिमाग में क्या आ गया कि हाँ सर इसका फॉर्मूला तो शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन होता है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल होता है। मैं बोलूं चल यार एक बार बता दे कि तू शियर मॉडुलस को अपने इंजीनियरिंग में यूज कैसे करता है। अरे अगर टॉपिक तुम्हारी बुक में दिया हुआ है तो कुछ तो यूज होगा इसका इंजीनियरिंग में। मैं आपको ये पता है ये इतना डीप क्यों बता रहा हूं, मैं इतना डीप इसलिए बता रहा हूं कि यार इन चारों पर तो इंजीनियरिंग बहुत बेस्ड है। अगर इन चारों की नॉलेज नहीं होगी आपको, आप ओनली इन चारों को इलास्टिक कॉन्स्टेंट के नाम से रट लेते हो फॉर्मूला, अरे इन चारों की बहुत वैल्यू है इंजीनियरिंग में, तो इन चारों का आपको फंक्शन भी पता होना चाहिए कि चारों जो मेंबर है, जो मैकेनिकल की मशीन्स हैं, जो सिविल के स्ट्रक्चर्स हैं, ये चारों फैक्टर उसको कहां कहां पर गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो शियर मॉडुलस की अगर मैं बात करूंगा तो सिंपल सी बात है, शियर मॉडुलस का भी एक पर्पस होता है और वो पर्पस होता है काटना। ठीक है, अगर किसी भी मेंबर की शियर मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा है, अगर मैं बात करूं स्टील की, स्टील की शियर मॉडुलस की वैल्यू होती है 0.789 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इसको मैं आगे ज्यादा लूंगा। ठीक है, मैंने क्या बोला स्टील की वैल्यू है 0.789 इंटू 10 की पावर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। वहीं पर जिस तरीके से यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा थी, कितनी थी आपकी 1440, वहीं पर इसी तरीके से सॉरी ये आपका ये जो 0.789 है ये आपका सी की वैल्यू, सी फॉर स्टील, सी मीन्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और वहीं पर C फॉर डायमंड अराउंड 430 होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, दो जिस तरीके से आपका समझ रहे मेरी बात, जिस तरीके से आपका डायमंड का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा था, उसी तरीके से डायमंड का शियर मॉडुलस भी सबसे ज्यादा है इस दुनिया में। अब शियर मॉडुलस का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे मेंबर की शियर मॉड्यूलस की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, उतना ही मुश्किल होता जाएगा आपको उसका काटना, आप उसको काट नहीं सकते हो। आप समझो मेरी बात, अगर स्टील की वैल्यू से ज्यादा अगर डायमंड की वैल्यू है तो डायमंड को काटने में आपको ज्यादा मेहनत लगेगी। तो दैट मीन शियर मॉड्यूलस का रिप्रेजेंट करता है सेक्शन को कट करना, एक सेक्शन को बेंड करना अलग चीज है और एक सेक्शन को काटना अलग चीज है। ये फोर्स में लगा दिया इसको काटने की कोशिश करेगा तो क्या गवर्न करता है, शियर मॉडुलस आपका कटिंग ऑफ मेंबर्स गवर्न करता है। ठीक है, वहीं पर अब आपका लास्ट हमारा बचा हुआ है बल्क मॉडुलस, ये बल्क मॉडुलस क्या गवर्न करता है। अब आप ध्यान से देखना, यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस ये है कि यंग मॉडुलस में अगर मान लो ये मेंबर है, ठीक है, तो जब मैं इस मेंबर को हटाते हैं, मजा नहीं आ रहा, इससे बढ़िया एग्जांपल मुझे कुछ नहीं मिलता, मिठाई का डब्बा है खाली है। ठीक है, यंग मॉडुलस में हम एक डायरेक्शन में, या तो मैं इस डायरेक्शन में, मतलब एक टाइप की लोडिंग होती है, या तो यहां लगा होगा या यहां लगा होगा, आप समझो यंग मॉडुलस में इस जगह, और जब इस जगह आप लोड लगा देते हो यंग मॉडुलस के केस में, तो ये गवर्न करता है क्या, स्टिफनेस। अब क्या करो, यंग मॉडुलस को हम बल्क मॉडुलस से रिलेट करते हैं। अब एक काम करो, इसके हर जगह सेम फोर्स लगा दो, यहां पर भी 10 न्यूटन लगा दो, यहां पर भी 10 न्यूटन लगा दो, यहां पर भी 10 न्यूटन, दैट मींस इसके जो 6 फेसेस है ना, 6 फेसेस पे आप इक्वल लोडिंग लगा दो। इक्वल लोडिंग लगाने के बाद इसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, हर जगह से वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। अब मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो इसका वॉल्यूम एक्सटेंड होने नहीं दे रही है, इलास्टिसिटी, दैट मींस ये स्टिफनेस जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की स्टिफनेस की बात होती है, ये एक लोड के कारण होती है, वहीं पर बल्क मॉडुलस में तीनों डायमेंशन की जो स्टिफनेस होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बल्क मॉडुलस से। यहां पर एक डायमेंशन, यहां पर ओल्ड डायरेक्शन। बल्क मॉडुलस हमेशा ध्यान रखना, बल्क मॉडुलस आपका तभी डेवलप होगा जो भी बॉडी है उस पर सारे फेसेस पर इक्वल फोर्स होना चाहिए। अगर इक्वल फोर्स नहीं होगा तो आपका यह डेवलप नहीं होगा। आप इसको एक बार देख लो, ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो धीरे धीरे करके हम इन शियर इलास्टिक कांस्टेंट पर आते जाएंगे, ध्यान रखना इस चीज को स्पेशली। अब क्या करते हैं, पॉइजन रेशियो पर वापस आते हैं। ठीक है, पॉइजन रेशियो को आप ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, क्योंकि पॉइजन रेशियो इंपॉर्टेंट इलास्टिक कांस्टेंट है, पॉइजन रेशियो धीरे धीरे करके मैं सब पर आऊंगा जब जब उनका टाइम आएगा, रिप्रेजेंटेड बाय म्यू विच इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है,
आप एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं आपसे पूछूं लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला कहता है सिलेंडर वाले सिलेंड्रिकल रॉड के केस में, तो आप बोलोगे सर चेंज इन डायमीटर। देखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला था चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर को एमएम में रिप्रेजेंट कर दिया अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, तो एमएम से एमएम कट गया। वहीं पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या था, चेंज इन लेंथ को एमएम में रिप्रेजेंट करेंगे अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ को किसमें रिप्रेजेंट करेंगे एमएम, तो सब कट गया एक दूसरे से। तो आप बोलोगे पॉइजन्स रेशियो इज यूनिटलेस, पॉइजन्स रेशियो इज यूनिटलेस, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपने पॉइजन रेशियो बता दिया, एक चीज ऐसे देखना, अगर ये मेंबर है इस पर मैंने टेंसाइल फोर्स लगा दिया तो इसकी लेंथ तो इंक्रीज होगी, और लेंथ जो इंक्रीज होगी उसको आप रिप्रेजेंट कर दोगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से, जो आप उसमें लेंथ में चेंज दिखाओगे। बट अगर मैंने इसकी लेंथ इंक्रीज करी तो इसका ये वाला जो एरिया वो पतला हो जाएगा, है ना, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन डायमीटर पर ओरिजिनल डायमीटर से। कहने का मतलब है अगर किसी बॉडी की लेंथ डिक्रीज होती है तो एरिया कम हो जाता है, और अगर किसी बॉडी की, अब मैं इसको दबाता हूं तो लेंथ डिक्रीज हो जाएगी और ये थोड़ा फूल जाएगा या मोटा हो जाएगा। जब किसी मेंबर की लेंथ डिक्रीज होती है तो उसका एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का बिहेवियर हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होता है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। उसी तरीके से मैं ये बोल सकता हूं कि ठीक है, इन दोनों का बिहेवियर हमेशा क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए पॉइजन रेशियो के सामने आपको हमेशा माइनस साइन लगा हुआ मिलता है। बट जब हम डिजाइनिंग पर्पस में इसको यूज करते हैं, पॉइजन रेशियो को जब हम डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं, तो हम इसमें एक मॉड यूज कर लेते हैं, मॉड से बाहर निकल के हमेशा वैल्यू पॉजिटिव में आती है। दैट मीन्स माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो पॉइजन रेशियो का फाइनली जो आपको फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है मॉडुलस ऑफ ये, इस तरीके से ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट डिफरेंट पॉइजन रेशियो होता है। मैंने आपसे क्या बोला, देखो सबसे पहली बात एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, मैं कुछ लिख देता हूं। पॉइजन रेशियो जो होता है, पॉइजन रेशियो की रेंज कितनी है, पॉइजन रेशियो की जो रेंज है वो है आपकी माइनस वन से 0.5। बट जब हम इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, फॉर ये तो इसकी जब ऐसी थियोरेटिकल रेंज हुई, और जब इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज करेंगे तो पॉइजन रेशियो की रेंज होती है 0 से लेके 0.5। इन दोनों रेंज को स्पेशली ध्यान रखना, किसी बुक में ये देके रखी हुई है, किसी बुक में ये देके रखी हुई है, तो आप देख लेना कि उसने आपसे इंजीनियरिंग पर्पस पूछा या थ्योरेटिकल पर्पस पूछा, ये दोनों वैल्यू का कंफ्यूजन ध्यान रखना, ठीक है। उसी के बाद अब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की आपकी डिफरेंट डिफरेंट आपका पॉइजन रेशियो वैल्यू होती है, तो मैं जितने भी मेंबर्स यहां पर लिख रहा हूं, सॉरी जितने भी मटेरियल मैं आप यहां पर लिख रहा हूं, उन सारे मटेरियल्स की पॉइजन रेशियो की वैल्यू आपको याद रखनी है, किसी भी एग्जाम में आ जाती है, डीएमआरसी पीएमआरसी सब में आएगी, आपकी एसएससी जेएससी आईईएस प्री में भी आ जाती है, ठीक है। तो मैं डिफरेंट नंबर डिफरेंट मटेरियल्स की पॉइजन रेशियो की वैल्यू लिख रहा हूं, उन सारे मटेरियल की पॉइजन रेशियो की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं इसको, आप देख लेना, ये तो मैं लिखता हूं इसकी वैल्यू। सबसे पहले फॉर म्यू पॉइजन रेशियो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, और मैं सारी वैल्यूज लिखता हूं, म्यू फॉर रबर, ठीक है। आप देखते हैं ना, देखो म्यू फॉर रबर मैंने लिखा 0.48 से 0.5, गोल्ड मैंने लिखा 0.42, कॉपर की भी लिख लो, ये मैंने आइस लिखा है, देखने ध्यान से आइस लिखा है, म्यू फॉर आइस है आपका 0.33, म्यू फॉर आइस आपको, म्यू फॉर स्टील आपको पता ही होगा 0.25 से 0.33 होता है आपका म्यू, ठीक है। स्पेशली चीज है ना, अब आपका कंक्रीट का भी बहुत बार पूछा आता है, म्यू फॉर कंक्रीट 0.1 से 0.2, आप भी लिख लो सारे के सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और जितने भी आपके इलास्टिक मेटल्स होते हैं, म्यू फॉर इलास्टिक मेटल्स,
भाई कॉपर एल्यूमिनियम जितने भी, ठीक है ये इलास्टिक मेटल्स लिखो इसको, इनकी वैल्यू होती है 0.25 से लेके 0.42। अब एक मटेरियल ऐसा होता है जिसकी पॉइजन रेशियो की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है, और उस मटेरियल का नाम है आपका कॉर्क। इसकी वैल्यू पॉइजन रेशियो की जीरो होती है। अब वापस आ जाओ, पॉइजन रेशियो क्या था? पॉइजन रेशियो रिप्रेजेंट, अगर जिस 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 मटेरियल की पॉइजन रेशियो की वैल्यू बढ़ती जाएगी वो आराम से बेंड हो जाएगा, वो आराम से एलोंगेट हो जाएगा। तो इन सब में देखो आपको सबसे ज्यादा पॉइजन रेशियो की वैल्यू किसकी दिख रही है? सबसे ज्यादा आपको पॉइजन रेशियो की वैल्यू दिखेगी रबड़ की। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर रबड़ की पॉइजन रेशियो की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो रबड़ आराम से एलोंगेट हो जाएगा, रबड़ आराम से बेंड हो जाएगा। वहीं पर एक मटेरियल की पॉइजन रेशियो की वैल्यू मैंने कितनी लिखी है? जीरो। दैट रिप्रेजेंट ना तो ये बेंड होगा ना ये इलोंगेट होगा, आप समझो मेरी बात। वहीं पर मैंने आपको पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या लिखी थी? -1 से लेके 0.5। तो एक मटेरियल होता है री एंट्रेंट फॉर्म, इसकी पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है -0.7। ध्यान रखना, अरे यार मिट गया। रीएंट्रेंट फॉर्म की जो वैल्यू है वो है आपकी -0.7। तो ये कुछ डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो आप देख लो, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, मेरा काम क्या होता है, हमेशा जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको मैं स्टार रैंकिंग देता हूं। जैसे मान लो मैं 1 से लेकर 5 स्टार दूंगा, जिसमें अगर मान लो जैसे जैसे मान लो 3 स्टार से लेकर 5 स्टार का टॉपिक आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो। अगर मान लो मैंने किसी टॉपिक के ऊपर ही लिख दिया कि भाई पूरा टॉपिक ही 5 स्टार है, तो गलती से भी आप सपने में भी मत सोचना कि इस टॉपिक को आप छोड़ दोगे, और इस टॉपिक को मैं देता हूं 5 स्टार, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इन सब की वैल्यूज याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे मैं इसकी वैल्यू याद रख लूंगा, इसकी वैल्यू याद रख लूंगा। आप इसको देख लो, आप इसको लिख लो, मेरे ख्याल से दिख रहा है पूरा, ठीक है। अब हम चालू करते हैं। आपने एक चीज ध्यान से देखी होगी कि ये पॉइजन रेशियो मैंने कहां से निकाला था। ये पॉइजन रेशियो जब मैं आपको नॉर्मल स्ट्रेन डिस्क्राइब कर रहा था, तो ये पॉइजन रेशियो मैंने आपका नॉर्मल स्ट्रेन से निकाला था। अब मैं निकाल रहा हूं आपका दूसरा टॉपिक जिसका नाम है, अब स्ट्रेन कितने टाइप का था? एक तो नॉर्मल था, दूसरा कौन सा था? शियर। तो अब हम फॉरवर्ड करते हैं अगली तरफ जिसका नाम है शियर। इसको मिटा देता हूं, आप देख लेना, ठीक है। जिस जिसको प्रॉब्लम है वो अपना वीडियो को पॉज करके है ना इसको लिख लेना, जितना भी है नोट्स आप थोड़े बहुत बनाते हुए भी चलो, मैं रेगुलर पढ़ाऊंगा। हाँ, मेरे वीडियोस आगे आके लॉक हो जाएंगे, अब वो कैसे एक्सेस होंगे वो मैं आपको बताऊंगा अगले टाइम में, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है शियर स्ट्रेन। इस टॉपिक को भी ध्यान से देखना, क्योंकि यहीं से हमारा अगला इलास्टिक कॉन्स्टेंट निकलेगा जिसका नाम है शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। शियर स्ट्रेन का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, शियर स्ट्रेस का मतलब क्या था? कि फोर्स हमेशा एरिया के पैरेलल लगता है। तो एक काम करते हैं, एक बॉडी में बना देता हूं, इसको बहुत ध्यान से देखना। इस बॉडी को मैंने क्या कर दिया? नीचे से फिक्स कर दिया, ठीक है। मैंने इस बॉडी को नीचे से आपका फिक्स कर दिया इस तरीके से, ये आपका ए बी सी डी। भाई ध्यान से देखना, जो मैं आपको आगे स्ट्रेस टेंसर पढ़ाऊंगा, स्ट्रेस टेंसर को आप तभी ढंग से पढ़ पाओगे जब आप इस टॉपिक को ध्यान से देखोगे। अगर आपने इस टॉपिक को ध्यान से नहीं देखा तो आपको स्ट्रेस टेंसर अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये ए बी सी डी है, अभी मैंने इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया है। अब एक काम करते हैं कि मैंने क्या बात करी, बात में कर रहा हूं शियर स्ट्रेन की। तो अगर मैं भी आपसे पूछूं कि शियर स्ट्रेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिन लेंथ। नहीं होता है, शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला ये नहीं होता है, ठीक है। शियर स्ट्रेन कहां से निकल के आएगा, अब मैं आपको दिखाता हूं। आप एक काम करो, ध्यान से देखना, ये जो ऊपर वाला फेस, अभी तक मैंने इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया, ये जो ऊपर वाला फेस है ना आपका बीसी, इस बीसी पर एक फोर्स लगा रहा हूं मैं पैरेलल। ये आपने फोर्स क्या लगा दिया? पैरेलल। जैसे आप फोर्स लगाओगे इधर, ध्यान से देखना, ये नीचे फिक्स्ड है, नीचे सेम रिएक्शन डेवलप हो जाएगी। आपने फोर्स लगाया टुवर्ड्स राइट साइड, तो नीचे जो फिक्स्ड है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, सेम रिएक्शन सेम फोर्स डेवलप हो जाएगा, बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी, थोड़ी अलग होगी, उल्टी होगी।
अब अगर आप ध्यान से देखो ये वाला फोर्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस वाले डायरेक्शन को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। और अगर आप नीचे वाला भी ध्यान से देखो तो नीचे वाला भी कौन सा डायरेक्शन मूव कर रहा है, नीचे वाला भी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब फोर्स ने रिएक्शन डेवलप करी, फोर्स भी क्लॉकवाइज जा रहा है, रिएक्शन भी क्लॉकवाइज जा रही है, तो ये क्या करेंगे, इस बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे। आप एक और काम करो, ठीक है, इस प्लेन का नाम मैंने देख रखा है एक्स प्लेन, ये एक्स प्लेन है आपका, और इस प्लेन का नाम मैंने देख रखा है वाई प्लेन। मैं डायरेक्शन नहीं बोल रहा हूं, मैं प्लेन की बात कर रहा हूं। इस प्लेन का नाम मैंने क्या लिखा हुआ है, ये वाला एक्स प्लेन मान लो, ये एक्स प्लेन है और ये वाला आपका वाई प्लेन है। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये उड़ गया तो स्ट्रेस टेंसर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इस वाले फोर्स को, ये जो पी फोर्स है, जब मैं इस एरिया से, जो बीसी का एरिया है, जब पी वाले फोर्स को मैं बीसी के एरिया से, देखो पहली बार तो फोर्स कौन सा है, पैरेलल फोर्स, और ये एरिया, जब पैरेलल फोर्स को मैं एरिया से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, शियर स्ट्रेस। ध्यान से देखना, ये एक्स प्लेन है, ये आपका वाई प्लेन है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये आपकी वाई डायरेक्शन है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये वाला फोर्स को, देखो पहले बात तो क्या करो, इस फोर्स पी को इस बीसी के, बीसी का कुछ एरिया तो होगा, अभी मैंने टू डायमेंशन बनाया तो आपको दिख नहीं रहा है, थ्री डायमेंशन में से कुछ एरिया तो होगा, जैसे इस पैरेलल फोर्स को मैं इस एरिया से डिवाइड कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, शियर स्ट्रेस। एक और चीज, ये शियर स्ट्रेस जो यहां पर डेवलप हो रहा है, देखो ये प्लेन कौन सा है, ध्यान से देखना, ये प्लेन है y, आपने फोर्स कौन से प्लेन पर लगाया हुआ है, y प्लेन पर, और ये डायरेक्शन कौन सी है, ये ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन है x, प्लेन है y, तो पहली बात तो फोर्स को BC से डिवाइड करो, आपको मिल जाएगा शियर स्ट्रेस। अब देखो इस शियर स्ट्रेस के आगे सबसे पहले मैं वो लिखूंगा जो प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, ये फोर्स कौन से प्लेन पर लग रहा है, y प्लेन पर, और इसकी डायरेक्शन क्या है, देखो ये डायरेक्शन कौन सी है, इसकी x, तो मैंने लिख दिया टो y x। सेम इस तरीके से देखो, ये रहा आपका, ये भी आपका जाएगा टो, ये देखो प्लेन सेम ही है, वाई वाई प्लेन, एक्स एक्स प्लेन, ये भी आपका टो वाई एक्स, तो ये टो वाई एक्स आ गया। बट क्या है, ये फोर्स इस बॉडी को घुमा रहा है, अभी कहीं से भी बॉडी आपकी बच नहीं रही है। एक डाउट मुझे पर आया, लोग ये पूछते हैं कि सर बॉडी में पहले क्या डेवलप होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है या स्ट्रेन डेवलप होता है। देखो जब किताबी बातों की बात आती है, जब हम आपको समझाते हैं तो हम उसमें हमेशा स्ट्रेन पहले डेवलप करते हैं और स्ट्रेन के बाद हम स्ट्रेस को रोल में लेके आते हैं कि देखो स्ट्रेस हीरो बनकर आया और उसने बॉडी को बचा लिया। बट फैक्ट यह है, किसी भी बॉडी पर स्ट्रेस और स्ट्रेन सेम टाइम पर डेवलप होता है, ऐसा नहीं होता कि पहले स्ट्रेन डेवलप होगा फिर स्ट्रेस डेवलप होगा। हाँ, समझाने के लिए पहले हम स्ट्रेन को डेवलप करेंगे फिर स्ट्रेस डेवलप करेंगे, बट रियल जो इंजीनियरिंग पर्पस, जो रियल असली में जो चीजें होती हैं, उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन आपका सेम टाइम पर डेवलप होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो अभी ये एक ऐसा फोर्स बन रहा है जो इस बॉडी को टूवर्ड्स राइट शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है और राइट शिफ्ट कर भी देगा। अब देखो ये बॉडी इस जगह से तो नीचे फिक्स्ड है, ठीक है, तो ये भी क्लॉकवाइज आ रहा है फोर्स, ये भी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये इस बॉडी को इस डायरेक्शन में कुछ घुमा देगा इस तरीके से। जो बी पॉइंट था वो आपका बी डैश पर आ जाएगा और जो सी पॉइंट था वो आपका सी डैश पर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर अब मैं आपसे पूछूं, जो जब लोड नहीं लगाता तो ये ए बी बिल्कुल स्ट्रेट था, बट जैसे ही लोड लगा आपका ए बी इंक्लाइंड हो गया और आपका न्यू पॉइंट मिल गया ए बी डैश। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन दोनों के बीच में आपको एक एंगल दिख रहा है, उस एंगल को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया फाई से। अरे ये जो एंगल निकल कर आया है, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपके दिमाग में आया होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, नहीं, शियर स्ट्रेन का ये फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, जब फोर्स नहीं लगा था तो बॉडी स्ट्रेट थी और ये फोर्स लगने से बॉडी इंक्लाइंड होगी और इन दोनों के बीच में एक एंगल निकल के आया फाई, इस फाई को ही मैं बोलता हूं शियर स्ट्रेन। और जिस तरीके से नॉर्मल स्ट्रेन क्या कर रहा था, नॉर्मल स्ट्रेन डायमेंशंस में चेंज बता रहा था, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बारी आई थी तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेंथ में चेंज बता रहा था, और जब लेटरल स्ट्रेन की बारी आई थी तो लेटरल स्ट्रेन हमारा एरिया में चेंज बता रहा था, उसी तरीके से शियर स्ट्रेन के बारे में शियर स्ट्रेन ये बताता है कि अगर आप किसी बॉडी पर पैरेलल फोर्स लगाओगे तो उसमें कितने एंगल्स का डिफॉर्मेशन हो रहा है, कितने एंगल से बॉडी आपकी झुक रही है। तो कभी आपसे कोई पूछे कि शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सिंपल उसको बोलोगे शियर स्ट्रेन मेजर्स द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन,
दैट मींस कि अगर किसी बॉडी पर पैरेलल फोर्स लग गया तो कितने एंगल्स, अगर बॉडी स्ट्रेट थी तो कितने एंगल से बॉडी आपकी झुक गई। मैं लिख भी देता हूं, शियर स्ट्रेन मेजर्स रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, समझ में बात। और एक और चीज, अगर आप चाहो तो यहां पर आप इस एंगल को फाइंड भी कर सकते हो, जिसे tan phi का फॉर्मूला क्या होता है, tan phi का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, दैट मींस bb डैश, बेस कितना है आपका ab। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये यहां पर मैं लिखता हूं phi। अब मैंने tan phi, देखो कोई भी बॉडी जो होती है, कोई भी रिजिड बॉडी होती है, वो डिफॉर्म कभी भी ज्यादा नहीं होती, बहुत कम एंगल से डिफॉर्म होती है। और आपको याद होगा जब भी कोई एंगल स्मॉल होता है तो हम tan थीटा को थीटा लिख लेते हैं, तो देयरफॉर मैंने क्या करा कि स्मॉलर एंगल्स के लिए tan phi को मैंने क्या लिख लिया, phi व्हिच इज इक्वल्स टू bb डैश अपॉन ab। अब ध्यान से देखना, bb डैश भी कोई लेंथ है mm में, ab भी कोई लेंथ है mm में, तो phi आपका यूनिट लेस होगा। दैट मींस जिस तरीके से नॉर्मल स्ट्रेन आपका यूनिट लेस होता है, उसी तरीके से आपका शियर स्ट्रेन भी क्या होता है, आपका यूनिट लेस होता है। स्पेशली ध्यान रखना, इसको एक बार देख लो पूरा का पूरा। ठीक है, आपने देख लिया, बट क्या अभी भी आपने एक चीज नोटिस करी, अभी मेरा शियर स्ट्रेन में टॉपिक खत्म ही नहीं हुआ है। आप ध्यान से समझना चीज, अभी तक शियर स्ट्रेन आया है, आगे शियर स्ट्रेन, अब क्या है, क्या आपने ये देखा कि आपकी बॉडी तो बची ही नहीं, आपको लगता है आपकी बॉडी बच गई, अरे बॉडी तो अभी भी झुकी पड़ी है, आपने फोर्स इस पे लगाया था, बॉडी झुकी हुई है, कहां बॉडी डेवलप हुई, कहां बॉडी अपनी पोजीशन पर वापस आई। और अगर बॉडी अपनी पोजीशन पर वापस आई, नहीं आई, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेस तो डेवलप हुआ ही नहीं है। स्ट्रेस डेवलप होता तो बॉडी में डिफॉर्मेशन कभी भी नहीं होता। अब मैंने आपसे क्या बोला, सेम टाइम पर अगर एक चीज इमेजिन करो, ये एक बॉडी है, इस पर अगर मैं पैरेलल फोर्स लगा रहा हूं, देखो लगा दिया मैंने, ये डिफॉर्म हुई क्या, ये डिफॉर्म इसलिए नहीं हुई, जैसे मैंने इस पर फोर्स लगाया, इस पर स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों डेवलप हो गए। हाँ, अगर इस फोर्स, अब ये सब डिपेंड करता है इस फोर्स पे, क्योंकि फोर्स की मैं इंटेंसिटी क्या रखता हूं। अभी मैंने फोर्स की इंटेंसिटी इतनी रखी हुई है कि बॉडी में आपको कोई भी चेंज नहीं दिख रहा। मैंने कोशिश, देखो मैं इसकी कोशिश कर रहा हूं बिगाड़ने की, बट सेम टाइम पर बॉडी अपने अंदर क्या डेवलप कर रही है, शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस के कारण ये बॉडी अपनी पोजिशन से मूव नहीं किया, अपनी बॉडी एंगुलर डिफॉर्मेशन इस पर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स अभी तक, हाँ अब मैं थ्योरेटिकल समझाने की, अब देखो अब मैं डेवलप करूंगा शियर स्ट्रेस। क्या होता है, आपने फोर्स कौन से वाले एरिया पर लगाया था, आपने फोर्स लगाया था बीसी पर। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बीसी के परपेंडिकुलर फेसेस कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे, अब ध्यान से देखना, बीसी के परपेंडिकुलर फेसेस एक तो है ये सीडी, देखो ये बीसी है, इसका परपेंडिकुलर कौन है, सीडी या फिर एबी। ठीक है, ये रहा आपका सीडी, ये रहा आपका एबी। तो होता क्या है, जिस फोर्स पर, अगर मान लो मैं लेके आप लोगों को कांगे यार मेरे मिठाई का डब्बा, ये रहा, ठीक है, ये रही बॉडी, ये हमारा ए बी है, ये हमारा बी सी है। अभी मैंने जो फोर्स लगाया था एक्सटर्नल, इस पर लगाया था बी सी पर, अब यहां से देखना, और इस बी सी का परपेंडिकुलर फेस है आपका ए बी, ये वाला फोर्स लगाया बी सी पर, तो पता है बॉडी क्या करती है, बॉडी जब भी शियर स्ट्रेस का केस होगा, इस बॉडी आपने लगाया तो इस वाले फेस पर है, बट शियर स्ट्रेस डेवलप होगा इन दोनों केस में, इन दोनों वाले में। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि जैसे ही आपने इस पर फोर्स लगाया, बॉडी अपने इस वाले फेस पर शियर स्ट्रेस डेवलप कर लेगा, या ऐसा फोर्स डेवलप कर लेगा जो कि इसके अपोजिट हो, वैल्यू तो सेम हो बट हो अपोजिट। तो इस फेस पर क्या होता है, जैसे क्लॉकवाइज फोर्स था, यहां पर एक एंटी क्लॉकवाइज फोर्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, और अब ध्यान से देखना, यहां पर क्या डेवलप हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स। तो अब एक काम करो, ये जो फोर्स है पी, इस फोर्स पी को इसके एरिया से, ये सीडी का एरिया है, देखो पैरेलल अपने आप डेवलप कर लिया, ये जो फोर्स, ये जो आपका फेस है, इस फेस का भी तो कुछ एरिया हुआ, तो जैसे इस, ये जो फोर्स डेवलप हुआ है, इसको मैं सीडी के एरिया से डिवाइड करूंगा, है तो पैरेलल फोर्स। जब आप पैरेलल फोर्स को एरिया से डिवाइड करोगे, या टेंजेंशियल फोर्स को आप एरिया से डिवाइड करोगे, तो आपको क्या मिलता है, शियर स्ट्रेस।
दैट मींस इस पी को मैंने डिवाइड कर दिया सीडी से तो मुझे मिल गया टॉ, और टॉ क्या रिप्रेजेंट करता है? शियर स्ट्रेस। वहीं पर अगर मैं आपसे बोलूं ये प्लेन कौन सा था, ये प्लेन कौन सा है, ये प्लेन है एक्स प्लेन। मैंने आपसे क्या बोला कि शियर स्ट्रेस में सबसे पहले आप प्लेन को रिप्रेजेंट करोगे, और देखो इस पी की डायरेक्शन क्या है, इस पी की डायरेक्शन यहां पे मैंने डायरेक्शन लिखी हुई थी, इस पी की डायरेक्शन है वाई, तो ये हो गया आपका टो एक्स वाई। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, इस सबको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, टो एक्स वाई। तो अब देखो अगर ये फोर्स ज्यादा डेवलप होगा तो देखो ये फोर्स पता है कितना डेवलप होता है, ये फोर्स इतना डेवलप होता है कि भाई अब देखो इस फोर्स, देखो ये जो एक्सटर्नल फोर्स था ये तो क्लॉकवाइज था, और जो इस परपेंडिकुलर फोर्स में डेवलप हुआ ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। ये फोर्स हमेशा उतना डेवलप होगा एक लिमिट तक, वो लिमिट हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में पढ़ेंगे, कि ये बॉडी जितनी भी झुकी है ना ये बॉडी अपनी पोजिशन पर वापस आ जाए। तो ये क्या करेगा, ये वाला फोर्स इस बॉडी को वापस अपनी पोजिशन पर घुमा देगा और अपनी पोजीशन पर लेकर आ जाएगा। ये देखो अगर मैं इस पर पैरेलल फोर्स लगा रहा हूं तो ये दोनों फेसेस इतना स्ट्रेस एक लिमिट तक डेवलप कर रहे हैं कि बॉडी डिफॉर्म नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखो फोर्स इस फेस पर लगाया है, स्ट्रेस इस वाले फेस पर डेवलप हुआ है, इस स्ट्रेस का नाम होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। इस स्ट्रेस का नाम क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। ये क्या होता है कि जिस फेस पर आप फोर्स लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, उसके परपेंडिकुलर फेस पर जो स्ट्रेस डेवलप होता है, जो बॉडी का डिफॉर्मेशन बचाता है, वो होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। दूसरी बात, आपने ध्यान से देखा होगा कि जब आपने सब फोर्स लगाया तो इसके परपेंडिकुलर फेस पर इसके इक्वल फोर्स डेवलप हुआ, क्योंकि अगर इन दोनों पर ज्यादा डेवलप हो जाएगा तो बॉडी आपकी लेफ्ट हैंड साइड झुक जाएगी। तो आप बोल सकते हो कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपका क्या है, इक्वल है, और अगर ये दोनों फोर्स इक्वल है तो ये जो आपके स्ट्रेसेस हैं ये उतना ही स्ट्रेस डेवलप हुआ कि बॉडी अपनी पोजीशन पर वापस आ गई। तो आप बोल सकते हो टो वाई एक्स इज इक्वल टू टो एक्स वाई। वहीं पर अब देखो इसका नाम क्या है, शियर स्ट्रेस। और जो मेरा आप इसको देख लो एक बार, ठीक है, क्योंकि मैं आपका मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी पे आने वाला हूं। ठीक है, उसी तरीके से अब मैं पूरा मिटा रहा हूं इसको। दैट मींस इस केस में एक तो मेरे पास आया था फाई जिसको मैं बोलता हूं शियर स्ट्रेन, और इस फाई के बाद मेरे पास आया था टो जिसको मैं बोलता हूं शियर स्ट्रेस। अब आप एक काम करो, शियर स्ट्रेस को शियर स्ट्रेन से डिवाइड कर दो। मैंने क्या करा, शियर स्ट्रेस को मैंने शियर स्ट्रेन से डिवाइड कर दिया था। जब किसी भी बॉडी के शियर स्ट्रेस को आप उसी बॉडी के शियर स्ट्रेन से डिवाइड करोगे तो आपको मिलता है आपका अगला इलास्टिक कांस्टेंट जिसका नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट हुआ हुआ है। किसी बुक में इसको C से रिप्रेजेंट करा हुआ है, किसी बुक में इसको N से रिप्रेजेंट करा हुआ है, किसी बुक में इसको आपका G से रिप्रेजेंट करा हुआ है। तो कहीं पर आपको C मिल जाए, N मिल जाए या G मिल जाए तो समझ जाना शियर ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का एक नाम और है जिसका नाम है, मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को एक चीज और बोलते हैं शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। Which, अब देखो मैंने आपसे बताया ना कि चार इलास्टिक कांस्टेंट हमारे बीम की डिजाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो शियर मॉडुलस जब भी आपको मिल जाएगा तो उसको आपको समझ में आ जाएगा। शियर मॉडुलस का मतलब है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेक्शन की कटिंग। मैंने क्या बोला, शियर मॉडुलस किसी भी सेक्शन की कटिंग को, अगर मैंने इसको फोर्स लगा के काटने, मान लो ये लौकी है ना, इस लौकी को अगर मैं चाकू से लेके ऐसे मारूंगा तो जो इसकी शियर मॉडुलस है
वो डिफाइन करेगा ये कटेगा या नहीं कटेगा। आप समझो मेरी बात, जितनी ज्यादा कि जिस जिस मटेरियल की शियर मॉडुलस की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी ही मुश्किल आपको उसके काटने में आएगी। अगर किसी मटेरियल की शियर मॉडुलस की वैल्यू बहुत कम है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया लौकी, तो 100% लौकी तो आप आराम से चाकू से काट लेते हो, बट स्टील को आप चाकू से नहीं काट सकते, तो कन्फर्म्ड है जो लौकी होती होगी उसकी शियर मॉडुलस की वैल्यू बहुत कम होती होगी और वहीं पर स्टील की जो वैल्यू है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप देख लेना शियर मॉडुलस का। और अब बारी आती है यूनिट की। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था स्ट्रेस यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों की, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों की यूनिट सेम होती है। और अभी मैंने बताया था कि ये तो आपका यूनिट लेस है, ठीक है, ये इसकी यूनिट तो होती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और शियर स्ट्रेस आपका यूनिट लेस होता है, तो जो टोटल यूनिट बनेगी शियर मॉडुलस की वो आपको मिलेगी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये जो चार इलास्टिक कॉन्स्टेंट मैंने आपको बताया, यंग मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो, शियर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस, इन चारों में तीनों की यूनिट सेम होती है। किस किस की सेम होती है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस, इन तीनों की यूनिट सेम होती है। और यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। आप इसको पास्कल्स में, जीपीएम में कन्वर्ट कर लेना, जीपीएम में। और वहीं पर जो पॉइजन्स रेशियो होता है वो आपका हमेशा यूनिट लेस होता है। तो यहां पर हमारा स्ट्रेन का टॉपिक भी कंप्लीट होता है, आपका बेसिक टॉपिक है, आप इसको एक बार देख लो इसके बाद में। हाँ, अगर आप स्टील की वैल्यू लिखना चाहो तो सी फॉर स्टील होता है 0.789 × 10^5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इस वैल्यू को आप लिख लो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने आगे के टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। बहुत आप मटेरियल्स को बहुत अलग अलग पर्पज से डिफाइन कर सकते हो, बट मैं अब जो टॉपिक लिख रहा हूं वो मैं टॉपिक लिख रहा हूं ओनली ऑन इलास्टिक प्रॉपर्टीज, ओनली ऑन इलास्टिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, मुझे भी एक टॉपिक याद आया कि कल जब हमने शियर स्ट्रेस का केस डिस्कस करा था, शायद हमने उसमें उल्टा लिख लिया है। जो डायरेक्ट होता है ना, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का केस होता है बीम का, ठीक है, जिस पर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस मतलब क्या होता है, जिस पर वो फोर्स लगा हुआ हो जो सेक्शन को कट करने की कोशिश करे, दैट मींस डायरेक्ट शियर। शायद मैंने इनडायरेक्ट पहले लिख दिया था, उसको कंफ्यूजन दूर कर लेना। और इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस का मतलब होता है टॉर्जन का केस, तो शायद मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने इनडायरेक्ट उसमें पहले लिख दिया है, तो डायरेक्ट वाला केस है बीम का और इनडायरेक्ट वाला केस है आपका टॉर्जन का, उसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं तीसरा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स ओनली ऑन इलास्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखो, हाँ एक चीज और यार, देखो मैं कोई एडिटिंग नहीं करता कुछ भी, तो रैंडम जो भी गलतियां होगी अगर इनकेस मुझे एकदम से स्ट्राइक करेगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि एडिटिंग करने का टाइम यार है नहीं, बड़ी मुश्किल से टाइम मिल रहा है, तो मैं डायरेक्ट वीडियो बनाता हूं और उसको अपलोड करता हूं, वैसे गलतियां नहीं होंगी, फिर भी हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स को आप यार बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हो, बट मैं अभी जो मटेरियल को डिफाइन कर रहा हूं, मैं मटेरियल को ओनली डिफाइन कर रहा हूं इलास्टिक प्रॉपर्टीज में। तीन टाइप के मटेरियल होते हैं, देखो एक चीज बताता हूं आपको, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। सिंपल सी बात यह है, अगर मैं आपसे पूछूं कि रोटी किस चीज की बनती है, रोटी में नमक वमक मत डालना, आप रोटी बस आटे की बनाओ, आपने क्या करा, रोटी को आटे की बना लिया, गेहूं को पीस के आप आटा बनाते हो और आपने रोटी को आटे से बना लिया, रोटियां ज्वार व्वार सबकी बनती है, चने भी डाल देते हैं लोग, बट हमें ऐसी रोटी बनानी है जो बस सिंपल गेहूं से बनी हुई हो, तो अगर मैं उस रोटी को कहीं पर भी तोड़ूंगा तो हमेशा मुझे सेम टाइप का आटा ही मिलेगा, सिंपल सी बात है, वही मेरा होमोजीनियस है। और वहीं पर अगर मैं आलू का पराठा बनाऊंगा और उसको कहीं से तोड़ूंगा तो उस पराठे के, देखो एक तो थी रोटी ओनली आटे की, मतलब मैं कहीं से भी तोड़ूंगा मुझे आटा ही मिलेगा, तो जो मटेरियल की कंपोजिशन हर जगह सेम होती है, जिस मटेरियल की कंपोजिशन हर जगह सेम होती है उस मटेरियल को बोलते हैं हम होमोजीनियस। वहीं पर मेरे आलू का पराठे में क्या होगा, आलू का पराठा अगर मैं तोड़ूंगा तो हो सकता है कहीं से मुझे आलू भी मिल जाए, कहीं से मुझे मिर्ची भी मिल जाए, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो जिस मटेरियल में मोर देन वन मटेरियल, जिस
किसी भी चीज में अगर मोर देन वन मटेरियल होता है तो वो क्या होता है आपका हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस मतलब सेम मटेरियल, सेम मटेरियल एक ही चीज से बना हुआ हो, और हेट्रोजीनियस मतलब मोर देन वन मटेरियल, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से सुन लेना, ये हमारा टॉपिक हल्का सा हेल्प करेगा इस चीज को। इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मिटा रहा हूं मैं ना। अब देखो ध्यान से, मैंने लिखा डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन ओनली इलास्टिक प्रॉपर्टीज। मैं तीन टाइप के मटेरियल आपसे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट है आपका आइसोट्रॉपिक, सेकेंड है आपका एन आइसोट्रॉपिक, एंड थर्ड है आपका ऑर्थोट्रॉपिक। ऑर्थोट्रॉपिक क्या है, ये आइसोट्रॉपिक क्या है, आपका एन आइसोट्रॉपिक क्या है, आपका ऑर्थोट्रॉपिक, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं। आइसोट्रॉपिक मतलब क्या होता है आपका, आइसोट्रॉपिक का मतलब है वो मटेरियल, देखो किसी भी मटेरियल की तीन डायमेंशन होती है, एक्स वाई एंड जेड। आइसोट्रॉपिक क्या आपका, आइसोट्रॉपिक आपका वो मटेरियल है जिसकी तीनों डायमेंशन में सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। दैट मींस सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायमेंशंस। डायमेंशन कौन कौन से आपके, एक्स वाई जेड, ठीक है। और आइसोट्रॉपिक जो आपका मटेरियल है, याद रखना मैंने आपको चार इलास्टिक कॉन्स्टेंट बताए हैं, E, म्यू, C, N, K। ये चारों इलास्टिक, देखो जब मैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ाऊंगा तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमारा पहला पॉइंट क्या होता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और उसके बाद कौन सा पॉइंट आता है हमारा, इलास्टिक लिमिट। तो जब मैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ाऊंगा तो उसमें पॉइंट आएगा इलास्टिक लिमिट, वो मैं आपको बहुत ब्रीफली पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। तो ये जो चारों इलास्टिक कॉन्स्टेंट होते हैं ये ओनली इलास्टिक लिमिट तक ही डेवलप होते हैं, आप समझो मेरी बात। ये मत सोचना कि ये चारों, अब ध्यान से सुनो, इलास्टिक लिमिट तक ये जो चारों डेवलप हुए इनका नाम है इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक लिमिट के बाद, अब आप समझ रहे हो, इलास्टिक लिमिट और ये चारों डिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट इनको बोला जाता है। अब इलास्टिक लिमिट के बाद जितने, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई इलास्टिक लिमिट के बाद आपके बॉडी में चेंज नहीं आएगा, उसके बाद ही बॉडी में चेंज आता है। तो इलास्टिक लिमिट के बाद जो कांस्टेंट डेवलप होते हैं उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। ये चार है डिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, और इलास्टिक लिमिट के बाद जितने भी डेवलप होते हैं उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आइसोट्रॉपिक जो मटेरियल है आपका, ये दो इलास्टिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है जिसका नाम है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एन म्यू। तो ये आपका क्वेश्चन आ जाता है कि जो आइसोट्रॉपिक मटेरियल है वो कितने इलास्टिक कांस्टेंट पर डिपेंड होता है, तो उसका आंसर क्या होता है आपका, टू। डिपेंड्स ऑन आइसोट्रॉपिक मटेरियल डिपेंड्स ऑन टू इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद अब आप एक चीज देखना, और मैं आपको लिखूं इसके एग्जाम्पल्स, तो इसके एग्जाम्पल्स है ऑल मेटल्स एंड ग्लास, इसके एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं आइसोट्रॉपिक के। तो आइसोट्रॉपिक में आपको क्या ध्यान रखना है, ये मेरा फर्स्ट का टॉपिक रहेगा जो आपको स्पेशली सब ध्यान रखना है। आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या है, जिसकी सब डायमेंशन में सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या रखना है कि कितने इलास्टिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, ये टू इलास्टिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। और इसके एग्जांपल क्या है, ऑल मेटल्स एंड ग्लास। अब आ जाओ एनआइसोट्रॉपिक पर। एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है, देखो आइसोट्रॉपिक क्या था, तीनों डायमेंशन में सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी थी। अब आपका एनआइसोट्रॉपिक क्या है, जिसके तीनों डायमेंशंस में अलग अलग इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है। आइसोट्रॉपिक में तीनों में सेम थी, और एन आइसोट्रॉपिक में तीनों में आपकी अलग अलग इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। दैट मींस डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल थ्री डायमेंशंस। तीनों डायमेंशन में अलग अलग इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, और ये डिपेंड होता है, डिपेंड्स ऑन 21 इंडिपेंडेंट, मतलब एक इलास्टिक लिमिट के बाद वाले कॉन्स्टेंट है, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स 21 नंबर पर। तो सबसे पहले भाई क्या होता है, ठीक है, एनिसोट्रॉपिक की तीनों डायमेंशन में अलग अलग इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, और ये कितने नंबर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन 21 इलास्टिक कांस्टेंट। और वो कौन से इलास्टिक कांस्टेंट होता है, इंडिपेंडेंट, मतलब इसमें E, म्यू, C, K का रोल नहीं है, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स हैं ऑल कंपोजिट सेक्शन, ऑल कंपोजिट सेक्शंस।
कंपोजिट का मतलब क्या होगा? हेट्रोजीनियस, दुनिया के जितने भी हेट्रोजीनियस मटेरियल है, और हेट्रोजीनियस क्या था? हमारा आलू का पराठा, हर जगह अलग अलग कंपोजिशन मिलेगी। दुनिया के जितने भी हेट्रोजीनियस मटेरियल है वो हमेशा आपका एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। लास्ट मेरा आया हुआ है आपका ऑर्थोट्रॉपिक। इन दोनों की डेफिनेशन तो आपको अलग अलग जगह मिल जाती है, बट ऑर्थोट्रॉपिक की डेफिनेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। जो आप नोट्स पढ़ते हो ना, जो बड़ी बड़ी कोचिंग से आप नोट्स पढ़ते हो, उसमें भी आपको ऑर्थोट्रॉपिक की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है। वो ऑर्थोट्रॉपिक की डेफिनेशन आपको, आप सर्च कर लेना, और जिसको वो डेफिनेशन मिल जाए ना किसी भी किताब में, वो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं भी देखूं किस किताब में ऑर्थोट्रॉपिक की डेफिनेशन देके रखी हुई है। और क्वेश्चन आता है इससे, आईईएस में भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो मेरे ख्याल से आईईएस के नोट्स में तो होनी चाहिए थी, बट दिक्कत ये कि आईईएस के नोट्स में भी इसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ऑर्थोट्रॉपिक क्या होता है। देखो, ऑर्थोट्रॉपिक एन आइसोट्रॉपिक का ही एक हिस्सा है। एन आइसोट्रॉपिक क्या था? जिसके तीनों डायमेंशन में अलग अलग इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मैंने आपसे क्या बोला कि ऑर्थोट्रॉपिक एनआइसोट्रॉपिक का ही एक हिस्सा है, तो दैट मींस ऑर्थोट्रॉपिक में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी एनआइसोट्रॉपिक की मिलेगी। सिंपल सी बात है, ऑर्थोट्रॉपिक को ध्यान से देखो, तीनों डायमेंशन आता हूं मैं, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो ऑर्थोट्रॉपिक में यह है आपका, एनआइसोट्रॉपिक में तीनों में अलग लगती, ऑर्थोट्रॉपिक में यह होता है कि एक डायरेक्शन में इसकी मैक्सिमम इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, दूसरे डायमेंशन में इसकी मिनिमम इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, और तीसरे डायमेंशन में इसकी जीरो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो तीनों में अलग अलग हो गई, बट एक में क्या जीरो है, एक में मैक्सिमम इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी ऑर्थोट्रॉपिक के केस में, एक में मिनिमम इलास्टिक प्रॉपर्टीज होगी, और एक में आपके जीरो इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी, और ये डिपेंड होता है 9 इलास्टिक कांस्टेंट पर। ये इलास्टिक कांस्टेंट ध्यान रखना कि आइसोट्रॉपिक 2 पर डिपेंड करता है, ऑर्थोट्रॉपिक 9 पर डिपेंड करता है, और एन आइसोट्रॉपिक आपका 21 इंडिपेंडेंट। ये 9 भी आपके इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट है, मतलब इलास्टिक लिमिट के बाहर वाले कांस्टेंट है आपके, जो आपका यील्ड स्ट्रेस हो गया, या आपका स्ट्रेन हार्डनिंग वाला पोर्शन हो गया, या अल्टीमेट स्ट्रेंथ वाला पोर्शन हो गया, वो मैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बनाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है, 9 इलास्टिक कांस्टेंट पर डिपेंड होता है। और इसका एग्जाम्पल हमेशा आता है कि एग्जाम्पल बताओ, वुड जो होती है आपकी, वुड इसका एग्जाम्पल है, वुड वुड आपका एग्जाम्पल है एन आइसोट्रॉपिक का। तो अब इन सारी टॉपिक को मैंने 5 स्टार दिए, ये सारी चीज आपको ध्यान होनी चाहिए पहले इस यूनिट की। इस यूनिट को कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम अब लगने वाला नहीं है। ये जो मैं आपको यूनिट पढ़ा रहा हूँ, ये आपको SSC JEE IAS प्री, आपका स्टेट का ई का एग्जाम, क्योंकि देखो आप एग्जाम के पैटर्न अलग हो चुके हैं, तो बुक पर हम डिपेंड रहेंगे, बट थ्योरी भी आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। और भरोसा रखो, मैं थ्योरी आपको इतने इंटरेस्टिंग में पढ़ाऊंगा कि आप आराम से पढ़ लोगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना खत्म करते हैं, शाम को टाइम मिलता है तो शाम को एक और लेक्चर अपलोड करता हूँ, ठीक है। ओके, बाय।